हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जॉब की अपडेट में। आज का जॉब CSL जूनियर इंजीनियर का है, जो कि डिप्लोमा वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, टोटल पोस्ट 76 होने जा रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो जो लोग इसको फॉर्म को एलिजिबल है वो फॉर्म जरूर डाल दें। CSL मतलब कि हुआ इसका कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से JEE 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। अप्लाई लिंक में स्टार्ट हो गया, तो चलिए वीडियो को आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, उसके बाद आपको पूरी बातों को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको PDF में दिख रहा होगा, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज के लिए है। वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं 4 अप्रैल 2023 को, जिसका हम लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भेज दिए थे, तो आप लोग वहाँ से भी देख चुके होंगे। इनमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सीरियल नंबर 1 में देखिए, मैकेनिकल शिप ट्रांसमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, जो कि SLC पासिंग SLC मतलब 10th आप लोग क्वालिफाइड रहना चाहिए। उसके बाद 3 ईयर में डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 60% के साथ विथ फलर यानी CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में। आपको ड्राफ्ट एंड प्रोफेंसी में सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो कि आसानी से आप लोग को मिल जाती है या मिल सकती है अभी भी। सेकेंड में देखिए, शिप ट्रांसमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल पास इन SSLC। बी में देखेंगे 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर्म, इसमें भी 60%, साथ ही साथ इसमें भी CAD में यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में एक सर्टिफिकेट चाहिए, 2 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आप आसानी से किसी भी इंस्टीट्यूट से बना सकते हैं जहाँ पर CAD का प्रोग्राम होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत है CAD ये सब में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, हम आपको हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट चलिए देख लीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 5 अप्रैल से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट आके अप्लाई लिंक पे कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है, 19 अप्रैल 2023 तक आप लोग इसका लास्ट डेट है। नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए, मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 59 है, इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हुआ 76। UR के लिए 34 है, मैकेनिकल वालों के लिए वो भी सीखा 15, SC के लिए 5, EWS के 5, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए UR में 10, OBC का 6 और 1 EWS में। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इसका सिलेबस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर Table 3 में देख लीजिए आप लोग क्या क्या लिखा है। सैलरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले 2 ईयर का ट्रेनिंग आपको होगा, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 2 ईयर का आपका ट्रेनिंग, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 3 ईयर का मिलेगा। स्टिपेंड देख लेते, फर्स्ट ईयर आपको 12,600 रुपये मिलेगा, सेकेंड ईयर 13,080, साथ में 4,450 रुपये आपको पर मंथ एक्स्ट्रा कंपनसेशन के रूप में मिलेगा एक्स्ट्रा आवर करने पर। चलिए देखिए, हमें एज लिमिट आपको 19 अप्रैल 2013 से काउंट होगा, 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। OBC का रिलेक्सेशन मिलेगा इसमें, SC वालों के लिए भी। मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, फेज 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का डिप्लोमा मार्क्स 20 मार्क्स मिलेगा। फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 50 मार्क्स रहेगा, फेज 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट या CAD सॉफ्टवेयर टेस्ट 30 मार्क्स का, टोटल नंबर ऑफ 100 मार्क्स। डिप्लोमा मार्क्स आपको 20 मार्क्स में जितना नंबर आया होगा उसमें 20 मार्क्स कट के मिल जाएगा। 50 मार्क्स में देख लीजिए क्या कह रहे, जनरल नॉलेज 5 रहेगा, इंग्लिश 5, रीजनिंग 5, क्वांटिटी अप टू यानी मैथमेटिक्स 5, सब्जेक्ट रिलेटेड यानी आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का 30, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का 30। इसमें कोई भी नॉन निगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम आपका कमेंट को ज़रूर आपका हेल्प कर सकते हैं। और आप लोग कौन कौन ब्रांच है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए तो उसके बारे में हम बता सकें।